दोस्तों 8 दिसंबर साल 2021 को इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, एक ऐसा ट्वीट जिसने पूरे देश में शोक का माहौल पैदा कर दिया। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने लिखा कि आज दोपहर के आसपास एक IAF MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और गहरे अफसोस के साथ ये बात पता चली कि इस दुर्भाग्यवश दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत और उसमें सवार 11 अन्य लोगों की मौत हो गई है। और ये खबर आते ही ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस बल्कि पूरा देश परेशान था। और हो भी क्यों ना, आज भारत ने एक ऐसे सच्चे सपूत को खोया था जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी देश की सेवा में बिताई थी। और बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम जनरल बिपिन रावत के उस जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे जिसका सफर तय करके उन्होंने आज वो मुकाम पाया था। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बिपिन रावत के नाम से प्रसिद्ध इंडियन मिलिट्री ऑफिसर बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के पौड़ी नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी माँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक एक्स एमएलए की डॉटर थी। वहीं इनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर पोस्टेड थे। और सिर्फ इनके पिता ही नहीं बल्कि इनके परिवार और रिलेशन के दूसरे लोग भी इंडियन आर्मी में ही सर्व करते रहे हैं। सर बिपिन रावत ने अपनी प्राइमरी और हायर एजुकेशन कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और सेंट एडवर्ड स्कूल से कंप्लीट करी, जिसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करा और फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करा जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया था। इसके साथ ही सर बिपिन रावत ने द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी और फिर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज से उन्होंने एक हायर कमांड कोर्स भी किया। इसके बाद उन्होंने डिफेंस स्टडीज में एमफिल डिग्री भी प्राप्त कर ली। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से उन्होंने मैनेजमेंट और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा करा हुआ था। 16 दिसंबर 1978 को सर बिपिन रावत को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया जो उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत की ही यूनिट थी। उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करते हुए 10 साल बिताए। मेजर के पद पर रहते हुए सर बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के उरी में एक कंपनी की कमान संभाली। कंपनी बेसिकली एक मिलिट्री यूनिट को कहा जाता है जिसमें करीब 80 से 250 सोल्जर्स होते हैं और इस कंपनी को एक मेजर या कैप्टन के द्वारा कमांड किया जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर एक कॉलोनल के तौर पर उन्होंने द 5th बटालियन 11 गोरखा राइफल्स को कमांड किया था। कॉलोनल इंडियन आर्मी के उन हायर रैंक ऑफिसर्स को कहा जाता है जो लेफ्टिनेंट कॉलोनल के सीनियर और ब्रिगेडियर पद के जूनियर के रूप में काम करते हैं। LAC पर बिपिन रावत के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ब्रिगेडियर के रूप में प्रमोट कर दिया गया जो कि इंडियन आर्मी की 1-स्टार रैंक है, जहां उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सोपोर में मौजूद राष्ट्रीय राइफल्स के 5 सेक्टर्स को कमांड करने का काम किया। और फिर उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो के चैप्टर 7 मिशन के लिए मल्टीनेशनल ब्रिगेड को कमांड भी करा और यहीं पर उन्हें फोर्स कमांडर्स कमेंडेशन के रूप में 2 बार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद जब 20 अक्टूबर 2011 को उन्हें मेजर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया तब उन्होंने 19th इंडियन इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। उसके करीब 2.5 साल बाद 1 जून 2014 को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्हें प्रमोट कर दिया गया जहां उन्होंने 3 कॉर्प्स को कमांड किया। उसके बाद कुछ समय के लिए इन्हें सदर्न कमांड का GOC भी बनाया गया। फिर उन्हें वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में भी जिम्मेदारी दी गई। इसके बस कुछ ही महीनों बाद 17 दिसंबर साल 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें 27th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट कर लिया था, लेकिन 31 दिसंबर से उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ के रूप में काम करना शुरू किया जब दलबीर सिंह सुहाग ने इस पोस्ट से रिटायरमेंट ली और इस तरीके से गोरखा रेजिमेंट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले वो तीसरे ऑफिसर बन गए। और उसके बाद 24 दिसंबर 2019 को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज यानी कि CDS की फॉर्मेशन की गई तो जनरल बिपिन रावत को फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में इसकी जिम्मेदारी दी गई और अभी तक जनरल बिपिन रावत इसी पद से अपनी सेवाएं दे रहे थे। भारत के लिए खुद को समर्पित कर चुके बिपिन रावत ने वैसे तो कई मिशंस पर काम किया था जिसके जरिए उन्होंने भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया, लेकिन स्पेशली POK में सर्जिकल स्ट्राइक और म्यांमार में उग्रवादियों के खिलाफ चलाए गए उनके अभियान ने देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। वहीं अगर अब हम बात करें जनरल बिपिन रावत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो साल 1985 में वो इंडियन सोशल वर्कर मधुलिका रावत के संग वैवाहिक जीवन में बन गए जिनकी कृतिका और तारिणी नाम की 2 डॉटर्स हैं। अपने 43 साल के मिलिट्री करियर में सर बिपिन रावत ने देश के कई महत्वपूर्ण मिशंस में पार्टिसिपेट किया और इसके जरिए उन्होंने देश के गर्व को बरकरार रखा। इसके लिए उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया जैसे कि परम वशिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति वशिष्ठ सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और वशिष्ठ सेवा मेडल। भले ही सर बिपिन रावत आज हमारे बीच नहीं है लेकिन आज भी देश के लिए उनके द्वारा किया गया योगदान लोगों के जहन में है और सर बिपिन रावत हमारे दिल में हमेशा अमर रहेंगे।
तो दोस्तों यही थी कहानी सर बिपिन रावत की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।